आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है, आज तो तुम्हें जश्न मनाना चाहिए। आखिर तो माँ बनने वाली हूँ मैं, माँ बनने वाली हूँ हमारी शाइन। देखो ये ले लो, लड्डू खा लो, लड्डू खा लो, आ पूरा आ आ, जो ठीक है थोड़ा सा खा लो। अच्छा बने, बहुत अच्छा है आई। अब तो तुम शांत हो गई ना, देखो खुशखबरी आ गई। अब तो बस नौ महीने सिर्फ इंतजार करना है। छोटा सा नन्ना सा प्याला सा बच्चा हमारी शेर की गोदी में खेलेगा। चलो लेकिन आई ये बच्चा पाखी दीदी की कोख में है। हाँ, तो ये नौ महीने आसानी से नहीं बीतने वाले आई। सही, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगी विराट सर के करीब जाने की, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने की। और आपके बेटे वो तो इतने भोले हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा, और वो अपना सारा ध्यान उन पर देंगे क्योंकि उन्हें लगता है पाखी दीदी ने हम पर एहसान किया है। तो तब तुम क्या करोगी? मुझे कैसे भी करके ये पता लगाना होगा कि वो औरत कौन थी जिसने गीता को हॉस्पिटल आने से रोका था। वो पता चल गया तो मुझे पाखी दीदी का असली खेल भी समझ आ जाएगा। मैं तावे के साथ कह सकती हूँ कुछ तो गड़बड़ है, और मैं पता लगा के रहूंगी कि आखिर पाखी दीदी के एक खुराफाती दिमाग में चल क्या रहा है। मूंग दाल लिखना। मूंग दाल? मूंग दाल के पकोड़े खाने का बड़ा दिल कर रहा है। मूंग दाल के पकोड़े भी लिखना। वो घर पे बनेंगे? ओ हाँ, हो गई नहीं, इमली आमचूर हो गई। चले सही। हाँ, पत्र लिखा। रेखा तुम ठीक तो हो? ठीक से सोई नहीं क्या? मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ बड़ी मामी। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पत्र लिखा, मुझे बता। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? पाखी, अगर हम कुछ कर सके तो बताना। मैं सोच रही थी कि मैं एक बार अपना चेकअप करवा लेती हूँ, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चल सकते हो? मैं इस बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं डॉक्टर से पूछना चाहती हूँ। अच्छा, आपके जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगी, और फिर भी जरूरत लगी तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। Exactly. पिछले कुछ दिनों से जैसा बर्ताव तुम मेरे साथ कर रही हो सही, मुझे तुमसे बात करना या मैं तुम्हारे साथ कहीं आने जाने में कंफर्टेबल फील नहीं करती सही, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए शक के सिवा और कुछ नहीं है। अब आपके तौर तरीके ने मुझे ऐसे करने पे मजबूर कर दिया तो मैं क्या करूं? अरे सही, तुम फिर से शुरू मत हो जाना। अच्छा ठीक है, ये तो बताइए कि आपको तकलीफ क्या हो रही है? मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर करने में अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तुम प्लीज हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। और अगर तकलीफ ना हो तो क्या विराट मुझे हॉस्पिटल लेके जा सकता है? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये भी तो बच्चे का बाप है, ये भी चाहेगा कि बच्चा स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, है ना? बच्चे के बाप को तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उसकी माँ का क्या? तुम अपॉइंटमेंट ले लो, मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। देखा आई, मैंने कहा था ना। तुम आगे क्या करोगी ये भी तो बताओ। कुछ तो करना पड़ेगा ताकि पाखी दीदी मेरे पति से दूर रहे।
अरे सही, तुम लंच ब्रेक में आई हो? नहीं नहीं, अरे आज मेरे बच्चे का चेकअप है तो मैं जल्दी छुट्टी लेकर आ गई। क्या हुआ, मेरे बच्चे का चेकअप है ना? हाँ। चलिए आपके अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे, आई चल। आप यहीं रुकिए, मैं हूँ पाखी दीदी के साथ। विराट बाहर क्यों वेट करेगा? क्योंकि ये नहीं होंगे तो आपका चेकअप आसानी से हो जाएगा। लेकिन विराट इस बच्चे का बाप है। हाँ लेकिन आपके पति नहीं है ना? मेरे पति है। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ अंदर। सही, ठीक कह रही है, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। ओके आइए। पत्र लेखा डॉक्टर, मेरा नाम है सई विराट चव्हाण, ये है मेरे पति मिस्टर विराट चव्हाण और ये है पत्र लेखा, इनके गर्भ में हमारा बच्चा है। ओके जी, आते हैं। बताइए पत्र लेखा जी, प्रेगनेंसी का पहला महीना है, कोई परेशानी? मैम वो मेरे पैर बहुत दर्द करने लगे। तो आप पैरों की स्ट्रेचिंग कीजिए ना। हाँ, उससे आपको आराम मिलेगा। हाँ। और सुबह मुझे बहुत थका थका भी महसूस होता है। अब ना आप दिन में 3-4 छोटे छोटे खाने के पोर्शंस खाना शुरू करिए और खाना खाते ही आधे घंटे तक सोना नहीं है। आपको इतनी जानकारी कैसे है? मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। नाइस, चलिए मैं आपका चेकअप कर लेती हूँ। सिस्टर आज तो मैंने संभाल लिया, लेकिन मैं हर बार इनकी चाल को कैसे रोकूंगी? आने वाले 9 महीने मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि मैं जानती हूं पाखी दीदी अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। विराट, सब सही है। बहुत अच्छा है कि आप एक डॉक्टर हैं, किसी इमरजेंसी में या कभी इनकी तबीयत खराब हो तो आप इनका ध्यान रख सकती हैं। मैम क्या आप मुझे आपका नंबर दे सकती हैं? वो कभी मुझे इमरजेंसी में जरूरत लगी तो मैं डायरेक्टली आपको कॉल कर लूंगी। मैं हॉस्पिटल के किसी इंटर्न पर भरोसा नहीं कर सकती। अरे मैं एक जानकार डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहती हूँ और बच्चे के लिए भी वही बेहतर रहेगा। ये बच्चा बहुत खुशनसीब है कि इसकी माँ एक डॉक्टर है। मैं आपको अपना नंबर दे देती हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज्यादातर तकलीफ डॉक्टर से ही खुद ठीक कर देंगे। आप घबराइए मत पाखी दीदी, आप एकदम सुरक्षित हाथों में हैं।